जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ। बहुत ही छोटा सा उपाय है, यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस उपाय को करने से पहले आप अपने मन को बिल्कुल ही निर्मल कर लें, बिल्कुल ही शांत कर लें, क्योंकि यह उपाय हमें श्रद्धा पूर्वक करना है। यदि हम विश्वास नहीं रखेंगे तो यह उपाय कारगर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को निर्मल कर लें और विश्वास पूर्वक और भाव पूर्वक ही आप इस छोटे से उपाय को करें। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से किसी भी पत्थर को यदि आप माने तो भगवान कहा जा सकता है, यदि ना माने तो कहीं वो पत्थर कहीं भी रखा हो, वो मंदिर में रखने के बावजूद उस पत्थर को आप भगवान नहीं मानेंगे, या मंदिर में रखा हो तो भी पूज लेंगे। इसलिए विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरह इस उपाय को करने के लिए हमें अपने मन में सच्ची श्रद्धा कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस उपाय को करना कैसे है, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें एक लौंग लेनी है। इस लौंग को आप ले लें और साथ ही उसके बाद आप एक लाल कपड़ा लें। लाल कपड़ा लेने के बाद इन दोनों को आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया जलाएं। आप मिट्टी का दीपक ले लें और उसमें घी की बाती लगाएं, और वो बाती लंबी होनी चाहिए दोस्तों, गोल बाती आप ना लगाएं, लंबी बाती आपको लेनी है। घी का आपको दिया जलाना है, उसके बाद इस लौंग को आप लाल कपड़े में बांध दें। दोस्तों, एक बात का आप खास ख्याल रखें, इस बात को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है कि यह उपाय करते समय आपको किसी को भी इस उपाय के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, पति पत्नी हो, या फिर बच्चे ही क्यों ना हो, आपको यह उपाय किसी को नहीं बताना है, ना ही अपने किसी दोस्त या मित्र को बताना है। आपको यह उपाय बिल्कुल ही चुपचाप से करना होगा। यदि आप चुपचाप बिना किसी को बताए करेंगे तो यह उपाय बहुत ही जल्दी अपना कार्य करना शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में धन की वर्षा होने लगेगी और आपके घर में धन आने लगेगा। जिन लोगों के पास खूब सारा धन है, पैसों की कोई तंगी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अपना धन बचा नहीं पाते, सारा धन खर्च हो जाता है, यानी वह कमाता तो खूब है लेकिन बच नहीं पाता, फिजूल का खर्च बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, अगर वे लोग ये उपाय करेंगे, मतलब उन लोगों को भी ये उपाय वो लोग कर सकते हैं, तो ये उपाय अगर वो लोग भी करेंगे तो उनका कमाया हुआ धन फालतू के खर्चों में नहीं लगेगा। उनके जो फालतू के खर्चे हैं पैसों की वजह से, तो वो जो खर्च है वो कम होते चले जाएंगे। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, यह उपाय 100% कारगर है। उस कपड़े में आप लौंग को बांध कर अपने मंदिर में ही रख दें और दोनों हाथों को जोड़ते हुए माता लक्ष्मी से, अपने जो इष्ट देव हैं उनको प्रणाम करते हुए आप बोलें कि हमारे घर में आप हमेशा सुख संपदा बनाए रखें, हमारे जो भी रोग विकार हैं उन्हें आप दूर कर दें। और देखिएगा, धीरे धीरे आपके सभी रोग विकार, सुख संपदा संबंधी जो भी आपकी परेशानियां हैं, अगर धन बहुत है टिक नहीं रहा है तो वो टिकना शुरू हो जाएगा, और अगर धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कितना भी कमाए कम ही पड़ जा रहा है, तो वो आपकी परेशानी भी स्वतः ही खत्म होने लगेगी। ये लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, आप करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।